ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक् प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मामा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सामवेद की तलोकार शाखा की केनोपनिषद, इसका पद भाष्य टीका के साथ में विचार कर रहे हैं। तो प्रथम खंड के दो मंत्र तक का विचार हो गया। शिष्य ने प्रश्न किया था कि इंद्रियों का प्रेरक कौन है, मन बुद्धि चक्षु आदि का प्रेरक कौन है, तो बता दिए कि वह श्रोत्र का भी श्रोत्र, मन का भी मन, इन सभी में सत्ता स्फूर्ति देने वाला, इन सब का जो अधिष्ठान है, ऐसी जो आत्मा ब्रह्म, उसको जान करके अतिमुच्य शरीर आदि में आत्मभाव को छोड़ करके धीर लोग इस संसार से व्यावृत्त हो करके अमृत हो जाते हैं, अमृत स्वरूप हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, ये बता दिए। अब यहाँ तृतीय का हम लोग शुरुआत करेंगे, पेज नंबर 28 देखिए, पद भाष्य चल रहा है, ये बता दिए, बाद में वाक्य भाष्य चलेगा। टीका में देखिए पेज नंबर 28 से, सर्पाद्यध्यासाधिष्ठान रज्जुवत् श्रोत्राद्यध्यासाधिष्ठानम् अधिष्ठान चैतन्यम् श्रोत्र से श्रोत्रम इत्यादिना लक्षितम्। जो उत्तर दिया आचार्य ने शिष्य के लिए, तो वहाँ क्या बताया, देखिए सर्पाद्य अधिष्ठान अध्यासाधिष्ठान रज्जुवत्, जैसे सर्प आदि से दंड भू छिद्र इत्यादि जो अध्यास है, भ्रांति है, भ्रम है, उस भ्रम का अधिष्ठान जैसे रज्जु है, एक रस्सी में ही नाना प्रकार की भ्रांति हो जाती है, इसी प्रकार श्रोत्रादि अध्यासाधिष्ठान चैतन्यम, श्रोत्र आदि इंद्री शरीर इन सभी की अध्यास का अधिष्ठान, जिसके अज्ञान से इन सब की कल्पना हुई है, वो अधिष्ठान चैतन्य ही श्रोत्र से श्रोत्रम इत्यादि ना लक्षितम। जो द्वितीय मंत्र में उत्तर के द्वारा श्रोत्र से श्रोत्रम इस उत्तर के द्वारा लक्षित हुआ वह चैतन्य, जो इन सभी इंद्रियों का अधिष्ठान चैतन्य है, इंद्रिया जिसमें कल्पित है, ते बात सामने आई। तो भाई देखिए, वहाँ जो दृष्टांत है कि रस्सी, रस्सी में सर्पादि का अध्यास होता है, तो रस्सी तो दिखाई पड़ती है, रज्जु जो है आँखों से दिखती है, इसी प्रकार स्रोत्र आदि इंद्रियों के अध्यास का अधिष्ठान चैतन्य, वो अभी तो आँखों से दिखना चाहिए। जैसे जो अधिष्ठान रस्सी है, रज्जु है, आँखों से दिखती है, तो अधिष्ठान चैतन्य ब्रह्म भी आँखों से दिखना चाहिए। देखो वही करे, तर ही रज्जुवत अधिष्ठान अधिष्ठानत्वात् विषयत्व प्रसंग, रस्सी के समान वह ब्रह्म अधिष्ठान है तो वह विषय बनना चाहिए, आँख से दिखना चाहिए, अन्य इंद्रियों का भी विषय बनना चाहिए। इति शंकाम निवर्त्यति, ऐसे देखो अनुमान के द्वारा अनुमान कर रहा है कि ब्रह्म
श्रोत्रादि विषय अधिष्ठानत्वात् रज्जुवत्। देखो पूरा जो है ब्रह्म जो आत्मा है श्रोत्रादि इंद्रियों का विषय है क्योंकि अधिष्ठान है रज्जुवत, तो विषय विषय श्रोत्रादि इंद्रियों का विषय बने। जैसे रस्सी अधिष्ठान होने से आँख से दिखती है, ऐसे ही यह भी ब्रह्म भी अधिष्ठान होने से इंद्रियों से दिखाई पड़ना चाहिए। इसलिए विषयत्व तो प्रसंग, विषयत्व तो की आपत्ति हो रही, प्रसंग हो रहा है। इति शंकाम निवर्तयति, ऐसी शंका जो पूर्व पक्षी कह रहा है। साधारण लोग भी कहते हैं अगर परमात्मा है तो दिखता क्यों नहीं, दिखना चाहिए। इस शंका का निवर्तन कर रहे हैं यस्मात्। देखिए भाष्य में, यस्मात् श्रोत्रादेर अपि श्रोत्राद्यात्मभूतं ब्रह्म, क्योंकि श्रोत्रादि इंद्रियों का भी वह श्रोत्रादि है, आत्मभूत है, ब्रह्म स्वरूपभूत है, इंद्रियों का भी स्वरूपभूत है, आत्मभूत है, सभी का आत्मभूत है, स्वरूपभूत है ब्रह्म। अतो न तत्र तस्मिन् ब्रह्मणि चक्षुर्गच्छति, इसलिए उसमें चक्षु नहीं। अरे त्याय बता रहे कि अधिष्ठान होने की वजह से आंखों से दिखना चाहिए। अनुमान के द्वारा पूर्व पक्षी ये बता सिद्ध करना चाहता है कि अधिष्ठान है, जैसे रस्सी अधिष्ठान है तो आंखों से दिखती है, ब्रह्म भी दिखना चाहिए। यही भाष्य में देखिए, यस्मात् श्रोत्रादेर अपि श्रोत्राद्यात्मभूतं ब्रह्म, क्योंकि वह श्रोत्रादि इंद्रियों का भी श्रोत्रादि है, आत्मभूत है, सत्ता स्फूर्ति देने वाला है। अतो इसीलिए, तो देखो यहाँ पे उसका जवाब दे दिए जो शंका किया था कि जो है अगर जो अधिष्ठान होने की वजह से आंखों से दिखना चाहिए था, क्या बोल रहे नहीं, श्रोत्रादि का भी वह स्वरूप भूत है, स्वरूप को कोई जो है विषय नहीं कर सकता, स्वरूप में कोई जो है गति नहीं होती, कोई जो है भाई तलवार अपने आप को काटती है क्या, अग्नि अपने आप को जलाती है क्या, वायु अपने आप को सुखाता है क्या, जल अपने आप को गीला करता है क्या, तो जो जिसका स्वरूप है, स्वरूप में कोई जो है गति नहीं होती, इंद्रियों का स्वरूप है वह तब परमात्मा, इसलिए इंद्रियों का विषय नहीं बन सकता। भले अधिष्ठान है लेकिन वह स्वरूप है, स्वरूप में जो है विषयता नहीं आती, स्वरूप अपना विषय नहीं बनता। इस बात को पहले मंत्र ही देख लीजिए, तृतीय मंत्र, न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति नो मनो न विद्मो न विजानीमो यथ तदनुशिष्याद अन्यदेव तद्विदिताद अथो अविदितादधि यदि शुश्रुम पूर्वे पूर्वेशां येनस्तद्व्याच चक्षिरे। न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति नो मनो न विद्मो न विजानी तत्र यानी तत्र ब्रह्मणि, ब्रह्मणि उस ब्रह्म में चक्षु नहीं जाती, यानी चक्षु उस ब्रह्म को विषय नहीं बना सकती। भाई जो आँख का भी स्वरूप है, आँख में भी सत्ता स्फूर्ति देने वाला है, उसको चक्षु आँख कैसे विषय बना पाएगी, ये बताइए। इसी प्रकार न वाग गच्छति, वाणी भी उसमें नहीं जाती, वाणी उसको विषय नहीं बना सकती। तो चक्षु के द्वारा सभी ज्ञान इंद्रिय को ले लीजिए, चक्षु शब्द उपलक्षण है, सभी ज्ञान इंद्रिय, किसी भी ज्ञान इंद्रिय का विषय नहीं बन सकता क्योंकि स्वरूप है। वाणी के द्वारा भी सभी कर्म इंद्रियों को ले लीजिए, किसी भी कर्म इंद्रिय का विषय नहीं बन सकता क्योंकि वह उसका स्वरूप है, कर्म इंद्रियों का स्वरूप है। फिर बोले मन का विषय बन जाए, बोले नो मनो, मन भी वहां नहीं जाता, मन भी उसको संकल्प विकल्प नहीं कर सकते, निश्चय नहीं कर सकते। ना विद्मो ना विजानी, वह ब्रह्म इस प्रकार का है ऐसा हम नहीं जान पाते, ऐसा हम नहीं जान सकते। इसीलिए अतः का अध्याय कला, क्योंकि वह ब्रह्म ऐसा है इस प्रकार से नहीं जान सकते,
अतो न भी जानीमो, इसलिए हम उसको विशेष रूप से जान नहीं पाते, विशेष रूप से निश्चय नहीं कर पाते। यथाएतद अनुशिष्याद अन्य देव, तो देखिए क्योंकि वह इस प्रकार का ऐसा नहीं जान पाते, इसलिए हम ये नहीं जान पा रहे किस प्रकार से शिष्यों को उपदेश दिया जाए, शिष्यों को जो है कैसा उपदेश करे, किस प्रकार से उपदेश करे, ये हम नहीं जान पा रहे हैं। तो फिर बोले कि भाई जब आपको पता ही नहीं चल रहा है शिष्यों को कैसे उपदेश देना चाहिए, फिर तो उपदेश होगा ही नहीं। तो बोल रहे नहीं, अन्य देव तद विदिताद अथो अविदिताद अधि, भले जो है हम अपनी तरफ से उपदेश नहीं कर पा रहे, किंतु आगम से शास्त्र प्रमाण के द्वारा उसका उपदेश हो सकता है। जैसे द्वितीय मंत्र भी आया था, श्रोत्र से श्रोत्रम मनसो मनोयत, तो आंख से देख करके तो नहीं बोल सकते हो, लेकिन वो शास्त्र जिस प्रकार से बताया है, क्योंकि अन्यत्र तंग तो उपनिषदम पुरुषम परीक्षामि, इस ब्रह्म को औपनिषद पुरुष कहा गया है, उपनिषद के द्वारा इसका प्रतिपादन होता है, शास्त्र के द्वारा इसका प्रतिपादन हुआ है। तो यथायथा अनुशिष्याद, ये हम नहीं जान पा रहे किस प्रकार से शिष्य को उपदेश दे, तो भी आगम से, आगम जो है वाक्य है शास्त्र वाक्य से उसका उपदेश हो जाता है। शास्त्र क्या कह रहा है, देखो अन्य देव तद अविदिताद अथो अविदिताद अधि, वह विदित, विदित यानी जो ज्ञात कार्यवर्ग, कार्य स्थूल होता है इसलिए विदित हो जाता है, ज्ञात हो जाता है, और कारण जो है सूक्ष्म होता है इसलिए अविदित रहता है। तो वह कार्यवर्ग से भी, विदित से भी भिन्न है, और कारण वर्ग जो अविदित है उससे भी अधि यानी भिन्न है। तो जो कारण भी नहीं, कार्य भी नहीं, विदित भी नहीं, अविदित भी नहीं, तो भाई स्वरूप ही होता है ना। जैसे आप, हम आपसे पूछे कि आप अपने आप को जानते हो क्या, तो बोले आप कहोगे हाँ जानते हैं, तो क्या घट जैसे सामने घट है ऐसा जानते हो, तो आप बोलोगे नहीं ऐसा तो नहीं जानते, सामने घट है ऐसा हम सामने अपने आप को खड़े करके नहीं जान पाएंगे, तो विषय बना के नहीं जान सकते, विदित नहीं कह सकते। फिर अविदित, आप अपने आप को नहीं जानते हो क्या, अरे भाई ऐसा कैसे हो सकता है, कोई अपने आप को क्यों नहीं जानेगा, तो सामने खड़े करके नहीं देख सकते आप अपने आप को, विदित नहीं हो, और मैं मेरे को नहीं जानता ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा मैं मुझे नहीं जानूंगा, तो आप विदित भी नहीं कह सकते। तो जो स्वरूप है ना, उसको ना तो विदित कहा जा सकता है ना अविदित कहा जा सकता है, विदित और अविदित दोनों से जो भिन्न होता है वही स्वरूप होता है। इसलिए देखो आगम वाक्य शास्त्र वाक्य इसके अनुसार उपदेश दे रहे, वह विदित से भी भिन्न है और अविदित से भी भिन्न है, कार्य से भिन्न, कारण से भिन्न, ज्ञात भी नहीं अज्ञात भी नहीं, विषय बना के जान भी नहीं सकते, और मैं मुझे नहीं जानता, मैं अपने को नहीं जानता ऐसा भी नहीं, तो विदित अविदित से भिन्न, कार्य कारण से भिन्न जो स्वरूप है वही ब्रह्म है। इति सुश्रुम पूर्वेशम, इस प्रकार का जो ये शास्त्र परंपरा से उपदेश है, ये जो है हमने पूर्वेशम आचार्याणाम, पूर्व के आचार्य लोग इस प्रकार से कहते थे, ये शास्त्र वाक्य के आधार पर उपदेश किए हैं, उनकी वाणी को हमने सुना है, हमने सुना। तो ये नस्तद विच, ये नस्तद विचचक व्याचचक छिरे, जिन आचार्यों ने न यानी हम लोगों के लिए तद उस ब्रह्म की विच व्याच चक्रिय ने व्याख्या की, जिन आचार्यों ने हम लोगों के लिए ब्रह्म की व्याख्या की, ऐसे उन आचार्यों की इस वाणी को हमने सुना है। तो इस तरह से आगम के द्वारा, यद्यपि हम नहीं जान पा रहे कि ब्रह्म का उपदेश कैसे हो, क्योंकि कर्मेंद्री भी का भी विषय नहीं बन रहा है, ज्ञानेंद्री का भी विषय नहीं बनता है, मन का भी विषय नहीं बनता है, इसलिए वह ब्रह्म ऐसा है हम नहीं जान पा रहे, तो शिष्यों को उपदेश कैसे करें ये भी हम नहीं जान पा रहे, तो भी आगम के आधार पे, शास्त्र वाक्य के आधार पे उसका उपदेश हो सकता है। क्या है उपदेश,
वह विदित से भिन्न है, अविदित से भिन्न, कार्य कारण से भिन्न हमारा स्वरूप ही है। ये जो है मंत्र का अर्थ हो गया। अब भाई ये तो वेदांत है, कोई राजा रानी की कहानी तो नहीं है कि आप लोगों को कहानी सुनाऊं और फिर अच्छा लगे। ये तो इसी तरह। हाँ जी वैसे निगम का अर्थ वेद होता है और आगम मतलब गुरु शिष्य परंपरा से जो वाक्य आया उसको आगम कह देते हैं। आगम मतलब शास्त्र प्रमाण होता है, शब्द प्रमाण को आगम कहते हैं। तो आगम का अधिक व्यापक अर्थ हो गया और निगम का अर्थ वेद होता है, वेद। भाई इसीलिए देखो वेदांत परिभाषा में आप पढ़े हो शब्द प्रमाण की जगह आगम प्रमाण आ गया, आगम प्रमाण। आगम मतलब शब्द प्रमाण। इसी प्रकार यहाँ गुरु शिष्य परंपरा से जो ये वाक्य आया है ये आगम जो है कह देते हैं। हाँ तो इस तरह से शास्त्र वाक्य है, गुरु वाक्य तो आगम, परंपरा से आया हुआ वाक्य तो आगम कह देते हैं। और निगम का तो सीधे सीधे वेद ही अर्थ होता है। ठीक है हम देखें। हाँ जी बोलिए। हाँ वही बोल रहा हूँ भाई, ये तो वेदांत है, इसमें इसी प्रकार का उपदेश होता है, मुख्य उपदेश यही है ना, कोई और कोई कहानी वाली बात यहाँ नहीं रहती है। तो चलिए देखिए आगे भाष्य में देखिए। अतो न तत्र यानी तस्मिन ब्रह्मणि चक्षुर गच्छति, क्योंकि श्रोत्रादि इंद्रियों का भी वह स्वरूप भूत है, इसलिए न तत्र। देखो ये भाष्य वाक्य में मंत्र से ले लिए, तत्र तत्र यानी तस्मिन ब्रह्मणि, उस ब्रह्म में चक्षुर, नात पहले आ गया, चक्षु नहीं जा सकती, उसको विषय नहीं बना सकती। बोले ऐसा ऐसी क्या बात है कि चक्षुर इंद्रिय विषय नहीं बना पाएगी? बोले देखिए कारण स्वात्मनि गमना संभवात्, जो हमारा स्वरूप है, हमारी आत्मा है, उसमें गमन कैसे संभव है? एक कर्म कर्तृ विरोध होता है, तलवार तलवार को नहीं काट सकती। इसलिए वाचस्पति मिश्र जी ने भामती में एक पंक्ति लिखी है, अत्यंत पटुरपि नटो न स्वस्कंधम आरोढ़ुम समर्थो भवत। मतलब अत्यंत पट, चाहे नट, चाहे नट यानी जो खेल दिखाने वाला, मदारी अथवा कुछ खेल दिखाने वाला, तो चाहे कितना भी पटु हो अपने कंधे पे चढ़ करके नाच नहीं सकता। इसी प्रकार ये जो हमारा स्वरूप है उसमें गमन नहीं हो सकता। तो चक्षु का स्वरूप वह ब्रह्म है, इसलिए चक्षु उसको विषय नहीं बना सकती, कोई भी ज्ञान इंद्रिय, कोई भी कर्म इंद्रिय। इसलिए कह दे स्वात्मनि गमना संभवा, स्वात्मा में स्वरूप में गमन संभव नहीं। तथा न वाक गच्छति, इसी प्रकार वाणी भी वहां नहीं जाती है, उसको विषय नहीं बना सकती है। अच्छा थोड़ा ये जो शंका दिए थे टीका में, उस शंका का निवारण भाई, वो जैसे रस्सी अधिष्ठान होती है तो दिखाई पड़ती है, ब्रह्म भी अधिष्ठान है तो दिखना चाहिए था, ते शंका का निवारण कर रहे टीका में, देख लीजिए फिर आगे हम भाष्य चलेंगे। अध्यस्त से अधिष्ठानम एव स्वरूपम, जितने भी अध्यस्त पदार्थ है, कल्पित पदार्थ है, अध्यास से भ्रांति से सिद्ध पदार्थ को अध्यस्त पदार्थ कहते हैं। अध्यस्त का स्वरूप क्या होता है? अधिष्ठान। सर्प का जो है स्वरूप क्या है? रस्सी है, रस्सी को छोड़ के और दूसरा कुछ मिलेगा क्या? कितने भी दिन तक आप खोजते रहो वहाँ रस्सी को छोड़ के सर्प कभी मिलेगा नहीं। कौन से सर्प की बात कर रहे? कल्पित जो भ्रांति से सिद्ध है। तो अध्यस्त का अधिष्ठानम एव अध्यस्त से अधिष्ठानम एव स्वरूपम, अधिष्ठान ही उसका वास्तविक स्वरूप है, रूप है। क्यों? क्योंकि आद्यंत मध्येषु तदव्यभिचारात्, भ्रांति से पहले भी हुआ था, भ्रांति काल में भी अधिष्ठान ही उस रूप में दिख रहा है और भ्रांति समाप्त होने पर तो अधिष्ठान हमें दिख ही जाएगा। तो तीनों कालों में, पहले भी, वर्तमान भ्रांति काल में भी और भ्रांति के अध्यास के बाद भी, तीनों कालों में आदि अंत, अंत यानी बाद में और मध्य यानी भ्रांति काल, आद्यंत मध्येषु तदव्यभिचारात्,
आदि और अंत और मध्य में स्वरूप का व्यभिचार नहीं होता, अधिष्ठान का व्यभिचार नहीं होता। और स्वरूप विषयता च न पदार्थ धर्म, और स्वरूप को विषय कर लेना है किसी पदार्थ का धर्म नहीं है। अग्नि अपने को जलाती नहीं, वायु सुखाता नहीं अपने आप को, तलवार अपने को काट नहीं सकती है। इसी प्रकार इंद्रियों का जो स्वरूप है, वह इंद्रियों का जो स्वरूप है, इंद्रिया उसे कैसे भी नहीं विषय कर पाएगी। किसी भी पदार्थ का धर्म स्वरूप विषयता नहीं है। स्वरूप को विषय कर लेना ऐसा किसी पदार्थ में धर्म नहीं है, इंद्रियों में कहाँ से रहेगा। ततो अप्रयोजको यम हेतु, इसलिए जो आपने हेतु दिया कि अधिष्ठान होने से ज्ञान का विषय बनना चाहिए, रस्सी अधिष्ठान है दिखती है, आत्मा भी अधिष्ठान है तो दिखना चाहिए, बोले ये जो अधिष्ठानत्व हेतु है अप्रयोजक है, तर्क से शून्य है, अनुकूल तर्क से शून्य है। ये अनुकूल तर्क नहीं मिल रहा है, क्योंकि देखिए बता दिए भाई ये स्वरूप है, स्वरूप में थोड़ी विषयता होती है, इसलिए इसका सत प्रतिपक्ष अनुमान टिप्पणी में दिए है, समझने वाले समझ सकते, सभी तो नहीं समझ पाएंगे। देखो दो नंबर टिप्पणी में दे, प्रतिपक्षानुमानम सूचयन अध्यस्तस्यति इत्यादि। पूर्व पक्षी ने कहा था कि ब्रह्म अधि स्रोत्रादि का विषय बनना चाहिए क्योंकि अधिष्ठान है, इसका जो है सत प्रतिपक्ष अनुमान दे रहे, ब्रह्म न स्रोत्रादि विषयस् तत्स्वरूपत्वात्। ब्रह्म स्रोत्रादि का विषय नहीं है क्योंकि स्रोत्रादि का ही स्वरूप है, जो जिसका स्वरूप होता है उसमें उसकी गति नहीं होती। जैसे अग्नि का अपना स्वरूप, तलवार का अपना स्वरूप, तलवार अपने स्वरूप को नहीं काट सकती, इसलिए ये जो हेतु है अप्रयोजक है, अनुकूल तर्क से शून्य है, साध्य की सिद्धि नहीं कर पाएगा, इसलिए आँख चक्षु आदि का विषय बनेगा ऐसा सिद्ध नहीं हो सकता। तो मंत्र में दिखाया कि चक्षु नहीं जाती, वाणी नहीं जाती, अब भाष्य में देखिए इसको बता रहे, वाचा ही शब्द उच्चार्य मारो, द्वितीय पंक्ति भाष्य में न वाक गच्छति की व्याख्या है, वाचा ही शब्द उच्चार्य मारो, शब्द उच्चार्य मारो अभिधेयं प्रकाशयति, वाणी के द्वारा शब्द उच्चरित होता हुआ क्या करता है, करती है वाणी अभिधेयं, वो शब्द क्या करेगा, अभिधेयं प्रकाशयति, विषय का अभिधेय यानी विषय, वाणी के द्वारा उच्चरित होने वाला शब्द अपने विषय का प्रकाशन करता है। जैसे हम कह दे ये लेखनी है, लेखनी कलम पेन, तो देखो वाणी ने इस विषय को प्रकाशित, शब्द ने इस विषय को प्रकाशित कर दिया। हम कह दे देखो ये जंगम वाणी, मोबाइल को जंगम वाणी बोलते हैं संस्कृत भाषा में, ये जंगम वाणी है, तो जो है शब्द उस विषय का प्रकाशन कर देता है। तो ये देखिए यही बात करे, वाचा ही शब्द उच्चारे मारो अभिधेयं प्रकाशयति, अभिधेय यानी विषय का प्रकाशन कर देता है। यदा, तो जब प्रकाशन करता है तो कहा जाएगा तदा अभिधेयं प्रति वाग गच्छति इति उच्यते, तब ये कहा जाता है कि वाणी जो है अपने विषय के प्रति जा रही है, जाती है, प्रकाशन कर दिया तो वाणी वहां पहुंच गई, जाती है, ऐसा कहा जाता है। तस्य शब्दस्य तन्निर्वर्तकस्य च कर्णस्य आत्मा ब्रह्म। अब यहां ये बता रहे भाई ब्रह्म में वाणी क्यों नहीं जाती, बोले देखिए वो जो शब्द है और उस शब्द का उत्पादक निष्पादक जो इंद्री है वाग इंद्री, शब्द अलग है इंद्री अलग है, इंद्री से शब्द निकलेगा कंठ तालु आदि का अभिघात होकर के, जैसे अंदर से जो है वायु को प्रेरित करके, जैसे हमको जो बोलना है चित्त में वृत्ति ये भी बोलना है, वायु अंदर से उस प्रकार का प्रयत्न करेंगे हम, वायु का जो है आघात लगेगा कंठ तालु आदि में, फिर वहाँ इस प्रकार से आवाज़ निकलती है। वायु बंद हो जाए तो आवाज़ नहीं निकल सकती, वायु का कंठ तालु आदि के साथ अभिघात होकर के वायु वही जो है शब्द निकलता है, और किस कौन सा शब्द कहाँ से निकलता है तो व्याकरण जानने वाले जानते हैं। तो शब्द और शब्द का निष्पादक जो करण है इंद्री, वाणी इंद्री,
इन दोनों की आत्मा ब्रह्म, कर्णस्य आत्मा ब्रह्म, आत्मा है स्वरूप है ब्रह्म, तो स्वरूप में कोई गति तो नहीं होती। हाँ, जब ब्रह्म स्वरूप है इन दोनों का, तो स्वरूप में तो कोई गति होगी नहीं, स्वरूप का कैसे प्रकाशन करेंगे। ये अतो न वाक गच्छति, इसीलिए वाणी वहां नहीं जाती, वाणी वहां नहीं जा सकती, वाणी उसका प्रकाशन नहीं कर सकती। इस तरह से दिखा दिए। आगे देखिए भाष्य में, यथा अग्निर्दाहक, जैसे देखिए अग्नि जलाने वाला है, दाहक है, प्रकाशकश्चापि, प्रकाश भी करता है, लाइट जो है प्रकाश भी कर देता है, ऐसा होते हुए भी चापी सन, ऐसा होते हुए भी अग्नि नहीं आत्मानं प्रकाशयति दहति च, अपने आप को प्रकाशित कर देगा, अपने आप को जला देगा, ऐसा नहीं होता है। अग्नि प्रकाश रूप है, प्रकाश तो ऐसे दिख जाएगा, प्रकाशित थोड़ी करता है। सूर्य प्रकाश रूप है, हमको दिख रहा है तो हम कह देते हैं कि भाई प्रकाशित हो रहा है वो प्रकाश रूप। तो अग्नि दाहक और प्रकाशक होता हुआ अपने आप को प्रकाशित नहीं करता, नहीं अपने आप को जलाता है। इसी प्रकार इंद्रियों की आत्मा है ब्रह्म, इसलिए ब्रह्म को इंद्रिया प्रकाशित नहीं कर सकती, उनको जो है विषय नहीं कर सकती, तद्वत उसी के समान। फिर मंत्र में आए नो मनो, मंत्र में आया था न तत्र चक्षुर गच्छति न वाक गच्छति, दो की तो व्याख्या हो गई। इसके बाद आया था नो मनो, नो अव्यय है नहीं अर्थ में, तो मनो यानी मनस्य, मन भी, अन्य संकल्पयित्री अध्यवसायित्री च सत, मन अन्य का संकल्प करने वाला है, अन्य का निश्चय करने वाला, क्योंकि यहां बुद्धि और मन को दोनों को मिला करके मन शब्द के द्वारा दे दी। मन अन्य विषय का संकल्प करता है, अध्यवसाय यानी निश्चय करता है, संकल्प इत्री अध्यवसायित्री च, अन्य विषयों का मन संकल्प करता है, निश्चय करता है, संकल्प करने वाला, निश्चय करने वाला होता हुआ आत्मानम न संकल्पयति, आत्मा जो उसका स्वरूप है उसका संकल्प नहीं कर सकता, अध्यवस्यति च उसका निश्चय भी नहीं कर सकता। तो तस्यापि ब्रह्म आत्मा, तो देखिए अन्य विषयों का तो संकल्प और निश्चय कर लेता है, लेकिन आत्मा का, अपने स्वरूप का, वह संकल्प और निश्चय नहीं कर सकता। तस्यापि ब्रह्म आत्मा, तो ब्रह्म तो उन सब की भी आत्मा, उस मन की भी आत्मा है। इति इंद्री मनोभ्याम ही इति, तस्यापि आत्मा ब्रह्म इति, इसलिए वो उसका जो है ब्रह्म मन उसका जो है संकल्प और निश्चय नहीं कर सकते। अब टीका में देख लीजिए। महाराज जी, हाँ जी बोलिए। ब्रह्माकार विष्णु ब्रह्म, हाँ वो तो मन से ही करेंगे, मन से करेंगे, तो मतलब क्या कि वो विषय नहीं बनाएंगे मन से, तो क्या है कि मतलब ये ब्रह्माकार वृत्ति बनेगी, आवरण को दूर करेगी ना। अच्छा। मतलब ब्रह्माकार वृत्ति तो ठीक है, वो कह देते हैं कि वृत्ति व्याप्ति है, वृत्ति व्याप्ति है, मतलब बारंबार लंब दीर्घ काल तक श्रवण आदि करेंगे तो एक जो है एक वृत्ति बनेगी, ब्रह्माकार वृत्ति बनेगी, तो मतलब ये है कि वो ब्रह्म को, जो शुद्ध ब्रह्म को विषय नहीं कर सकता, वो जो वृत्ति बनेगी मतलब, तो वो जो है आवरण को दूर करके बस इतने इतना ही वृत्ति चरितार्थ हो गए, तो मतलब इस तरह का जो है शुद्ध ब्रह्म को विषय कर लेगी, ऐसा तो नहीं है, विषय नहीं बनाएगी। ब्रह्माकार वृत्ति मानते हैं आवरण को दूर करने के लिए वृत्ति मानते हैं, स्वरूप में जो है कोई गति नहीं, इसलिए यहाँ पे ऐसा कह दिया। और अन्यत्र भी मन सेवानु द्रष्टव्यम, देखो यहाँ तो कह रहे नहीं, दूसरी जगह कहेंगे मन के द्वारा ही द्रष्टव्य, तो यहाँ ये थोड़ा विभाग एक ये है कि फल व्याप्ति नहीं होती, इसके लिए कह रहे हैं कि नहीं ये नहीं, मन का जो है वो विषय नहीं बनेगा। और वृत्ति व्याप्ति तो मानते हैं, जहाँ मन सेवानुद्रष्टव्यम है वहाँ वृत्ति व्याप्ति मानेंगे,
और यहां जो कह रहे हैं कि विषय नहीं बन सकता, तो समझ लीजिए फल व्याप्ति का निषेध कर रहे हैं। इस विभाग जो है हर जगह आता है ना, जगह जगह। हाँ, वो इंद्री का विषय तो नहीं बन पाएंगे। क्या करें, चलिए देखिए आगे टीका में देखिए। अविषयत्वा तरी शास्त्राचार्योपदेश्यत्वम अपि न स्यात्। बोले जब वो ब्रह्म विषय ही नहीं बन रहा है, तो शास्त्र और आचार्य के द्वारा उपदेश भी नहीं होगा। उपदेश शास्त्र और आचार्य के द्वारा उपदेश से भी ज्ञात नहीं होंगे, उपदेश से भी उपदेश के विषय भी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि विषय ही नहीं है। इत्याशंका, ऐसी आशंका को उत्थापन करके करे नास्तेव वास्तवम। वास्तव में उपदेश्यत्व, तो वास्तव में उसका उपदेश नहीं हो सकता। फिर कैसे होगा सब बताएंगे, सब प्रक्रिया धीरे धीरे सब बता रहे हैं। तो वास्तव में तो उपदेश्यत्व तो नहीं बन पाएगा। देखिए इसी को दिखा रहे, इसलिए पंचदशी में भी एक श्लोक आता है, चौद्यम वा परिहारो वा क्रियताम द्वैत भाषया, अद्वैत भाषया चौद्यम नास्ति नापि तदुत्तरम। शंका और समाधान ये द्वैत अवस्था में होता है। अद्वैत भाषा से तो न तो शंका बनेगी न समाधान बनेगा, इसलिए वास्तव में उपदेश तो नहीं बनेगा। फिर कैसे जो है उपदेश होता है, किस प्रकार से होता है, ये सब दिखा रहे हैं आगे, सब ये बातें स्पष्ट कर रहे हैं। इत्या इंद्री मनोभ्याम ही, भाष्य में देखिए दूसरी पंक्ति आखिरी शब्द, इंद्री मनोभ्याम ही वस्तुनो विज्ञानम। इंद्री के द्वारा और मन के द्वारा वस्तु का विज्ञान होता है। इंद्री भी ठीक होनी चाहिए और मन का संयोग भी होना चाहिए। आप सामने देख तो रहे लेकिन आपका मन कहीं दूसरी जगह हो तो भी वस्तु का ज्ञान नहीं होगा। इंद्रिय और मन दोनों के द्वारा ही वो वस्तु का ज्ञान होता है। तदा गोचरत्वात् न विद्म, तो उस इंद्रिय और मन का भी विषय नहीं होने से, मन इंद्रिय और इसका मन का विषय नहीं हुआ, इसलिए न विद्म वह ब्रह्म कैसा है हम नहीं जान पाते। तद ब्रह्म ईदृशम इति, वह ब्रह्म ऐसा है ये हम नहीं जान पा रहे हैं। इत्यतो न भी जानी, तो जब ब्रह्म ऐसा है ये हम नहीं जान पा रहे हैं। देखो पूरे मंत्र का ही अर्थ कर रहे हैं पूरा, और थोड़ा विस्तार कर रहे हैं मंत्र के शब्द, इसीलिए देखिए एक एक शब्द की यहाँ पे अर्थ दे रहे हैं। तो तद ब्रह्म ईदृशम, वह ब्रह्म ऐसा है हम नहीं जान पा रहे। इत्यतो न भी जानी मो, तो जब इसलिए हम ये भी नहीं जान पा रहे कैसे उपदेश करें। भाई जब मालूम पड़े कि ब्रह्म ऐसा है तब उपदेश करेंगे, जब यही नहीं मालूम पड़ रहा है ब्रह्म किस प्रकार का है तो उपदेश कैसे करेंगे। तो वही बता रहे, यथा येन प्रकारेण एतद् ब्रह्म अनुशिष्यात् उपदिशे शिष्याय इति अभिप्रायः। तो जिस प्रकार से इस ब्रह्म को का उपदेश शिष्य के लिए किया जाए वो हम नहीं जान पा रहे हैं, क्योंकि वह ब्रह्म कैसा है यह हम नहीं जान पाए। देखिए वही बात आगे बता रहे, यदि करण गोचरम, जो वस्तु इंद्रियों का विषय बनती है तद अन्यस्मा उपदेष्टुम शक्यम, उसको अन्य के लिए उपदेश किया जा सकता है। कैसे, जाति गुण क्रिया विशेषण, जाति को लेकर के, गुण को लेकर के, क्रिया को लेकर के, विशेषण को लेकर, है ना, जो इंद्रियों का विषय बने तो अन्य को उपदेश तब किया जा सकता है। देखो एक एक उदाहरण दे रहे टीका में, ब्राह्मणो यम, या ब्राह्मण है, ये जो उपदेश किया गया, कथन किया गया, जाति को लेकर के, इत्यादि जातितः, जाति को लेकर के किया गया। और कृष्णो यम, ये काला है, ये तो गुण को लेकर, इत्यादि गुणतः, ये तो गुण को लेकर के, रूप को लेकर के। और तीसरा क्रिया को लेकर के, पाचकोयम, या भोजन पकाने वाला है, रसोईया है, भंडारी भोजन पकाने वाला है, इत्यादि क्रिया, तो ये क्रिया को लेकर के देखिए उपदेश की। और राजपुरुष, या राजा का आदमी है, राजा का नौकर है, ये संबंध को लेकर के,
उपदेश किया गया। इति संबंध विशेषणता उपदिश्यते, संबंध विशेषण के माध्यम से उपदेश किया गया कि राज संबंधी विशिष्ट पुरुष, राजा का जिसमें संबंध है, इस विशेषण के द्वारा उपदेश किया गया। तो जाति गुण क्रिया और विशेषण, विशेषण मतलब संबंध, ये दिखा दिए, इनके द्वारा वस्तु का उपदेश होता है यहाँ पे। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, इसलिए कैसे उपदेश होगा? ब्रह्म तू न जात्यादि मत, ब्रह्म तो जाति आदि वाला नहीं है। कैसे मालूम पड़ा? केवलो निर्गुणस्य इत्यादि श्रुते है, वह केवल है, निर्गुण है, अद्वितीय है, ऐसी श्रुति है, इसलिए जाति गुण क्रिया संबंध इन सभी से रहित होने से ब्रह्म का उपदेश नहीं किया जा सकता, इस प्रकार से नहीं किया जा सकता। अब कैसे किया जाएगा वो बता रहे, उसको घबराने की आवश्यकता नहीं है, वो आगे बता रहे। तो आगे दे रहे, देखिए, तस्मात, तो टीका में आगे देखिए, अज्ञेन आगमस्य भेदेन प्रतिपन्नत्वात् तद्दृष्ट्या आचार्यस्यापि अविद्यालेशोत्थ दृष्ट्या व्यावहारिक उपदेश उपपद्यते आगमता। अच्छा, ये तो गए, ये थोड़ा आगे है, अभी पहले पहले भाष्य में चलिए, ये आगे। हाँ जी बोलिए। राजपुरुष में संबंध कैसे हुआ? राज संबंधी को राजपुरुष कहेंगे, राजा का आदमी है ना, तो संबंध हो गया ना, राजा का जो संबंधी है, राज संबंधी पुरुष, हाँ तो संबंध हो गया। अब भाष्य में विशेषण दे दिए, इसलिए विशेषण का अर्थ कर दिए संबंध विशेषणता, टीका में दे दिए। भाष्य में देखिए आगे, तो न तज्जात्यादि विशेषणवत् ब्रह्म तस्माद् विषमं शिष्यानुपदेशेन प्रत्यायितुम् इति, इसलिए शिष्य को अनुपदेशेन, शिष्यानुपदेशेन, शिष्यान द्वितीय बहुवचन है, शिष्यों को उपदेश करके प्रत्यायितुम् बोध कराना बड़ा विषम है, बड़ा कठिन है। बताओ उसमें जाति आदि है नहीं तो उपदेश कैसे करें? इसलिए शिष्यों को उपदेश दे करके बोध कराना, उनको स्वरूप में जगाना, ये बड़ा कठिन है। तो फिर इसीलिए उपदेशे तदर्थ ग्रहणे च यत्नातिशय कर्तव्यताम दर्शयति, उपदेश देने में और उसके अर्थ के ग्रहण करने में। ऐसा नहीं गुरुजी उपदेश दे दिए तो तुरंत शिष्य को बोध हो गया, उसको अर्थ को जानने में भी बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा। तो उपदेशे तदर्थ ग्रहणे च यत्नातिशय कर्तव्यताम दर्शयति, अत्यधिक यत्न की कर्तव्यता, बहुत यत्न करना पड़ेगा, बहुत प्रयत्न करोगे तभी आप जान पाओगे, उतर पाओगे, उसको जीवन में उतार पाओगे। इसको दिखा रहे कर्तव्यता, अतिशय कर्तव्यता हम दर्शित न विद्म इत्यादि, हम नहीं जान पा रहे, इसलिए मतलब बहुत बहुत जो है बुद्धि व्यापार करना पड़ेगा, बहुत जो है प्रयत्न करके ही उपदेश कर सकते हैं, क्योंकि साधारण रूप से तो ऐसे तो नहीं जान पा रहे कि वह ब्रह्म कैसा है। अब टीका में देख लीजिए, अज्ञेन आगमस्य भेदेन प्रतिपन्नत्वात्, जो अज्ञानी पुरुष है, आगम यानी शास्त्र, वो तो भिन्न भिन्न शास्त्र अलग है, गुरु अलग है, मैं अलग हूँ, वो भिन्न करके जानता है। ये थोड़ी कि अज्ञान दशा में पहले ही अद्वैत का बोध हो गया, अज्ञान दशा में तो भेद का ज्ञान हो रहा है, गुरुजी अलग है, मैं अलग हूँ, शास्त्र अलग है। ताज्ञ पुरुष के द्वारा आगम जो है, शास्त्र है, आचार्य गुरु, ये सब भिन्न भिन्न रूप से ज्ञात है। तद्दृष्ट्या आचार्यस्यापि अविद्यालेशोत्थ दृष्ट्या, इसलिए उसी भेद दृष्टि से, उसी जो है अज्ञान दशा में जो उसको प्राप्त है, तो आचार्य को भी अविद्यालेशोत्थ दृष्ट्या, है ना, अविद्यालेश से उत्पन्न जो दृष्टि है उसी भेद दृष्टि,
विद्यालय से जो है ज्ञानी भी जो है, क्योंकि पूर्व काल में ज्ञानी के अंदर अध्यास तो नहीं है, किंतु अध्यास का संस्कार है, क्योंकि ज्ञान होने से पहले वो भी व्यवहार कर चुके हैं। तो यहाँ जो है प्रारब्ध होने की वजह से अब चल रहा है शरीर आदि, एक अविद्यालय की कल्पना की जाती है कि अविद्यालय से ही प्रारब्ध बचा हुआ है और शरीर आदि चल रहा है। तो अविद्यालय से उत्पन्न दृष्टि के द्वारा, भेद दृष्टि के द्वारा व्यावहारिक उपदेश जो है वो बन जाएगा, आगमतः शास्त्र के माध्यम से व्यावहारिक उपदेश बन जाएगा। तस्य आत्मानं आत्मा ब्रह्म रूपेण लक्षयितुं योग्यता विषयवत्वात्। बोले आगम से उपदेश कैसे बनेगा? आगम से उपदेश की बात क्यों कह रहे? बोले देखिए, तस्य आत्मा ब्रह्म रूपेण लक्षयितुं योग्यता विषयवत्वात्। उस आगम वाक्य में ही, शास्त्र वाक्य में ही आत्मा को ब्रह्म रूप से लक्षित करने के लिए अत्यधिक योग्यता है। वैसे भी आप सुन के रखे हो कि शब्द में जो है बहुत अचिंत्य शक्ति होती है, वो भी वैदिक शब्द हो तो उसमें कैसे कितनी शक्ति होगी। शब्द में अचिंत्य शक्ति क्या है कि जैसे आप बड़े प्रसन्न हो, शांत बैठे हो, तब से कोई आदमी आके आपको गाली दे के चले जाए तो आपका तुरंत आपका चेहरा लाल हो जाएगा। अभी तक तो शांति से बैठे थे, कोई आदमी गाली दे दिया, कोई आपकी तरफ ऐसे कुछ शब्द बोल दिया, कटु शब्द, आप तुरंत लाल हो, लाल पीले हो जाओगे, क्रुद्ध हो जाओगे। और कोई बहुत क्रुद्ध हो और कोई आदमी आके प्यार से आपको कुछ समझाया, प्रेम से, तो आप तुरंत ठंडे हो जाते हो, तुरंत शांत हो जाते हो। तो लौकिक शब्दों में भी देखिए कितना सामर्थ्य है कि आदमी जो है शांति से बैठा था, एक शब्द सुन करके ही क्रुद्ध हो गया, और कोई क्रुद्ध था और एक ऐसा शब्द बोल दिया कि उसका सारा क्रोध पानी, हाँ, सारा क्रोध जो है ठंडा हो गया। तो शब्दों में बड़ी अचिंत्य शक्ति होती है, और वैदिक शब्द की क्या बात है, उसमें तो क्या शक्ति है, कितनी अचिंत्य शक्ति है। इसलिए ये जो आगम में ही ऐसा सामर्थ्य है कि आत्मा को ब्रह्म रूप से लक्षित कर सकता है, इसलिए यहां देखिए नीचे से दूसरी पंक्ति टीका में आ गया कि व्यावहारिक उपदेश उपपद्यते आगम तक, क्योंकि तस्यैव आत्मा ब्रह्म रूपेण लक्षयितुं योग्यता विषयवत्वात्। उस आगम वाक्य में, शास्त्र वाक्य में ही आत्मा को ब्रह्म रूप से लक्षित करने के लिए अत्यधिक योग्यता है। साधारण रूप से अपनी तरफ से समझाना कोई चाहे तो नहीं, कभी नहीं समझा सकता, लेकिन शास्त्र वाक्य के आधार पे आत्मा का निरूपण करना चाहे, समझाना चाहे तो समझा सकते हैं, कोई ज्ञानी पुरुष समझा सकते हैं। इति अभिप्रेत्याह अत्यंतमेव। तो इसी अभिप्राय से कह रहे हैं कि अत्यंतमेव, भाष्य में देखिए, अत्यंतमेव उपदेश प्रकार प्रत्याख्याने प्राप्ते। तो बोले जब बहुत कठिन है, जान ही नहीं पा रहे, तो उपदेश तब तो होगा ही नहीं, उपदेश प्रकार का तब तो अत्यंत प्रत्याख्यान निषेध हो जाएगा, प्रत्याख्याने निषेध। जब जान ही नहीं पा रहे हो तब तो उपदेश कर ही नहीं पाओगे, कभी उपदेश हो ही नहीं सकता। इसलिए हर एक उपदेश प्रकार का निषेध प्राप्त होने पर तो बोल रहे नहीं, तद अपवादो यम उच्यते। उसका अपवाद बताया जा रहा है, नहीं उपदेश संभव है, और कैसे संभव है ये बताते हैं हम आपको। इसको हम बता रहे हैं कि कैसे उपदेश संभव है। सत्यम एवं, ठीक कहते हो, प्रत्यक्ष आदि भी प्रमाणे न परह प्रत्यायितुम शक्य। प्रत्यक्ष के द्वारा, अनुमान के द्वारा, उपमान के द्वारा, अर्थापत्ति के द्वारा, इन प्रमाणों के द्वारा आत्मा को परमात्मा का बोध नहीं कराया जा सकता, किंतु आगम के द्वारा, आगमे न शब्द प्रमाण के द्वारा, उपनिषद प्रमाण के द्वारा तो शक्यता एव एवं प्रत्यायितुम। शक्यता एव होना चाहिए, एव की एवं 30 पृष्ठ, शक्यता एवं नहीं, चलो ठीक कोई बात नहीं, एवं ही दिए।
शक्यता एवं प्रत्यायेतु, इस प्रकार से उसको बोध कराया जाता है। शक्यता एवं प्रत्यायेतु, बोध कराया ही जा सकता है। प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से भले बोध नहीं करा सकते, किंतु शास्त्र प्रमाण से उसको आत्मा का, उस आत्मा का बोध कराया ही जा सकता है। तो तद उपदेशार्थम आगममः, अब इसलिए उस ब्रह्म का उपदेश करने के लिए आगम वाक्य को, शास्त्र वाक्य को बताते हैं कि किस प्रकार के शास्त्र वाक्य से हम उपदेश कर सकते हैं। तो इसको दिखा रहे हैं, अन्यदेव तद विदिताद अथो अविदिताद अधी इति, वह विदित कार्य से भी भिन्न है, अथ और अविदित यानी कारण वर्ग से भी भिन्न है, अधि यानी ऊपर है, भिन्न है। देखो इसकी व्याख्या कर रहे हैं, अन्यदेव पृथगेव तद यत् प्रकृतम श्रोत्रादीनाम श्रोत्रादि इति उक्तम अविषयम च तेषाम। देखिए, जो श्रोत्रादियों का भी श्रोत्री श्रोत्रादि है, श्रोत्रादि इंद्रियों में भी जो श्रवण आदि सामर्थ्य देने वाले, जो प्रकृत ब्रह्म, प्रकृत यानी जो विचार का विषय, जिनका विचार चल रहा है, ऐसे जो ब्रह्म है जिनका प्रकरण चल रहा है, तो श्रोत्रादि के, श्रोत्रादि के भी श्रोत्रादि कहे गए हैं, और अविषयम च तेषाम, अविषय है उन इंद्रियों के, तो अन्य ही है, अन्य देव वह अन्य ही है, किससे भिन्न है, विदित से भिन्न है, अन्य देव पृथक एव भिन्न ही, किससे, तद विदिताद अन्य विदिताद, विदित से भिन्न ही है, अन्य देव ही विदितम नाम, अच्छा तद विदिताद अन्य देव, अन्य देव ही भिन्न ही है। अब विदित किसे कहते, देखो इसको बता रहे, विदित किसे कहते, विदितम नाम यद विधि क्रियया अतिशयन आप्तम, विदित किसे कहते हैं, जो विधि क्रिया, वेदन क्रिया, ज्ञान क्रिया के द्वारा अतिशयन प्राप्त हो गया है, यानी अच्छी तरह से जिसे जान लिए हो, तद विधि क्रिया कर्म भूतम, तो ज्ञान क्रिया का जो कर्म है, विषय है, जो ज्ञान का विषय बन गया, उसे कह देते हैं विदित हो गया, मैंने जान लिया। जैसे कोई व्यक्ति पहले संस्कृत भाषा नहीं पढ़ा था, बाद में उसने अध्ययन किया, अच्छी तरह से वो पारंगत हो गया, कहेगा मैंने संस्कृत भाषा को जान लिया, संस्कृत भाषा मया विदिता, संस्कृत भाषा मेरे द्वारा जान ली गई। तो जो ज्ञान क्रिया के द्वारा अतिशयन प्राप्त हो जाता है, मतलब ज्ञान क्रिया का कर्म बन जाता है, विषय बन जाता है, उसे कहते हैं विदित। देखो, क्वचित किंचित कस्यचित विदितम स्यात्, वह कहीं पर किंचित क्वचित कहीं पर किंचित कुछ, और कस्यचित किसी को विदित हो जाएगी, ज्ञान क्रिया का कर्म बन गया, विषय बन गया, तो विदित हो जाएगी, किसी न किसी को विदित हो गए, इसका मतलब ये हुआ। इति सर्वमेव व्याकृतम तद विदितमेव, तो जितना भी व्याकृत पदार्थ है, अभिव्यक्त जगत है, नाम रूप के द्वारा जो अभिव्यक्त जगत है, वह सब का सब विदित ही है, सभी स्थूल पदार्थ ज्ञान के विषय बनते, इसलिए विदित ही है। और ब्रह्म अन्य देव उस विदित से भिन्न है, तत् तस्माद् अन्यत्। देखो मंत्र के एक एक शब्द का अर्थ करते जा रहे, विदिताद अधिक है, तो विदित का अर्थ बता दिए, विदित का अर्थ में जीव ज्ञान क्रिया का विषय बन जाए, जिसको हमने जान लिया है, यानी व्याकृत जगत, व्याकृत मतलब जो नाम रूप के द्वारा अभिव्यक्त, जितना भी नाम रूप के द्वारा अभिव्यक्त पदार्थ है, वो सब जानने में आता है, ज्ञान का विषय बनता है, उसी को विदित कहते हैं। लेकिन ब्रह्म ऐसा नहीं है, इसलिए वह विदित से भिन्न हो गए, तत् तस्माद् अन्यत्, वह विदित से भिन्न हो गए। टीका में देख लीजिए, अच्छा यद विदितम तद अल्पम इत्यादि, अभी नहीं, अभी आगे आएगा, यद विदितम तद अल्पम, चलिए आगे भाष्य में पहले देखिए, यद विदितम तद अल्पम आगे आ रहा है। अविदितम यानी अविज्ञातम तरही प्राप्त,
प्राप्तया। तो जब विदित से भिन्न है तो उसको अविदित मान लिया जाए, अविदितम अज्ञातम तरही, विदित नहीं भाई अविदित है, तब तो इति प्राप्ते, ऐसी प्राप्ति होने पर साधारण व्यक्ति यही कहेगा कि जब ब्रह्म विदित नहीं है तो अविदित मान लो, ज्ञात नहीं तो अज्ञात है ऐसा मान लो। इति प्राप्ते, ऐसी प्राप्ति होने पर कह रहे नहीं, अविदित भी नहीं कह सकते। अथो अविदिताद विदित विपरीताद अव्याकृतात अविद्या लक्षणात व्याकृत बीजात अधि उपरी इत्यर्थ, उपरी 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 अर्थ लक्षण या अन्य इत्यर्थ। तो बोले ने अथो अविदितात, अविदित मतलब विदित से जो विपरीत है उसे अविदित कहेंगे। वह कौन है? अव्याकृतात। देखिए विदित है कार्य वर्ग जो नाम रूप के द्वारा अभिव्यक्त है, और अविदित है जो कारण अव्याकृत जो नाम रूप से अभिव्यक्त नहीं है। अविद्या लक्षणाद, अविद्या लक्षण वाली जो है अविद्या, जो व्याकृत बीजात, जो व्याकृत की कार्य रूप जो जगत है उसकी बीज है, कारण है, उसे अविदित कहेंगे, क्योंकि नाम रूप के द्वारा वहाँ पे अभिव्यक्ति नहीं है। जगत में तो अभिव्यक्ति है, उसमें माया में नहीं है। तो उस अविदित जो कारण है माया है उससे अधि ऊपरी इत्यर्थ, ऊपरी अर्थ है, वह अधि मतलब ऊपर है, भिन्न है, लक्षण या अन्य। देखो मंत्र में आए अधि, उसका अर्थ कर दे ऊपरी, मतलब ऊपर है। ऊपर होने का मतलब जो ऊपर होता है कोई नीचे होता है, ऊपर वाला नीचे वाले से भिन्न होता है, इसलिए ऊपरी का अर्थ हो गया लक्षणावृत्ति के द्वारा भिन्न। इसलिए अधि का कुल मिलाकर के अर्थ हो गया भिन्न। तो वह अविदित से भी भिन्न है, अधि मतलब भिन्न है, कारण से भी भिन्न है। पहले बताए थे कि कार्य से भिन्न है तो कारण रूप होगा, तो बोले नहीं कारण से भी भिन्न है क्योंकि हमारा ही स्वरूप है। तब इसी को देखिए, यदि यस्माद अधि उपरी भवत, जो जिससे ऊपर होता है, जैसे कुर्सी के ऊपर कुछ पुस्तक रख दो, कुर्सी नीचे है पुस्तक ऊपर है, तो पुस्तक अलग है कुर्सी अलग है, जो जिसके ऊपर होता है वह उससे भिन्न होता है। यदि यस्माद अधि उपरी भवति तत्तस्माद अन्यत, वह उससे भिन्न होता है। इति प्रसिद्धम, ऐसा प्रसिद्ध है। तो यद विदितम तद अल्पम, जो विदित है ज्ञात है वो तो विनाशी है, कार्य है ना, विनाशी अल्प है, विनाशी है। मर्त्यम मर्त्य है, दुखात्मकम च, दुखात्मक है, दुख देने वाला है, दुख स्वरूप है। इति हेयम, इसलिए विदित क्या हो गया होता है, हे परित्याज्य होता है, छोड़ा जाने योग्य होता है। टीका में देख लीजिए एक पंक्ति जो पूर्व पृष्ठ पर आ गई थी, पेज नंबर 30 पे, वाक्यस्य पदार्थान व्याख्याय तात्पर्यम दर्शयितुम उपक्रमति। विदितात अथो अविदिता अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात अधि। इस वाक्य के एक एक पद के अर्थ की व्याख्या करके, विदित का किसे कहेंगे, अविदित किसे कहेंगे, अब तात्पर्य दिखाने के लिए आरंभ करते हैं, यद विदितम तद अल्पम इत्यादि ना। तब इसको हम लोग आगे कल विचार करेंगे। ओं आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मामा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्व निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः।
ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शांति शांति शांति। नारायण जी। ओम नमो नमः।